was telling to you that for some people it's very easy to obey even parents, even obey the will of God. और बहुत लोगों के लिए आसान होता है कि अपने माता-पिता की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए. But for some people, even the small pressure they cannot handle in their life. लेकिन बहुत सारे लोग छोटा सा दबाव अपने जीवन में सह नहीं सकते. They live in the life, why it is happening to me? और वो ऐसा बोलते हैं क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? Why all the things are against me? और क्यों सारी चीजें मेरे विपरीत हैं? Why the whole world is against me? और क्यों पूरी जो दुनिया है वो मेरे विपरीत है? Why this bad thing is happening? और क्यों ये बुरा चीज मेरे साथ ही हो रहा है? Why that is happening? क्यों वो होता है? And they keep complaining about it. और वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं. And they are not joyful. और वो खुशहाल नहीं रहते. They are not happy. और वो खुश बिल्कुल भी नहीं रहते. If you see their face, अगर आप उनके चेहरों को देखेंगे, they have only one watch, that is 12 o'clock. और उनके पास सिर्फ एक ही घड़ी है जिसमें सिर्फ 12 बजता है. And you see their face, और आप जब चेहरा देखते हैं, and you want to, you know, share something, और अगर आप कुछ बांटना चाहते हैं, suppose you are in a problem, अगर सोच लेके अगर आपके पास कोई समस्या है, and you go to that person, और आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, and you see this person look like he has a bigger problem, और जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, आपको पता चलता है कि उसके पास तो आपसे भी बड़ी समस्या है. If you need 100 rupees, अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है, and you have gone to this person, और आप उस इस व्यक्ति के पास गए हैं, you know, it end up that you gave 50 rupees to him, blessed him and came back. और ये ऐसा होता है कि अंत में आप क्या कहते हैं, आप ही को 50 रुपए देना पड़ता है और सब आशीष लेके वापस लौट जाते हैं. I was speaking in radio this Friday. और पिछले शुक्रवार को मैं रेडियो में बोल रहा था. I recorded 5 programs there. और मैंने 5 कार्यक्रम वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया. And one of the things that I was speaking there, that some people are not happy with themselves. और मैं वहाँ पे इस बारे बोल रहा था कि बहुत सारे लोग अपने आप से खुश नहीं रहते. They're not happy with their success. और वो अपनी सफलता से खुश नहीं हैं. They always see their failures. और वो हमेशा अपनी हार को देखते हैं. And they're very bitter from inside. और वो अंदर से बहुत कड़वे हो चुके हैं. There is no joy. कोई आनंद नहीं. There is no love. कोई प्रेम नहीं. There is no discipline. और कोई अनुशासन नहीं. So they are so unhappy in their life. और इतने ज़्यादा वो अपने जीवन में ना खुश रहते हैं. So what they can pass to the people is unhappiness. और जो वो दूसरे लोगों को दे पाते हैं वो है सिर्फ वो ना खुश होना. See what you have, you can give only that. और जो आपके पास है सिर्फ आप उससे ही दे सकते हैं. What you don't have, you cannot give. और जो आपके पास नहीं है आप नहीं दे सकते. So if there is a bitterness, you will give bitterness. अगर आपके पास कड़वाहट है तो आप कड़वाहट ही देंगे. If there is a love, you will give love. अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार देंगे. So we need to sort it out within ourselves and clear ourselves so that we can receive something new for our life. और इसलिए हमें अपने आप में चीज को सुलझा लेना है ताकि अपने जीवन में कुछ नया पा सकें. So some people are very angry with themselves. और कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने साथ गुस्से में रहते हैं. Just because they have not achieved anything in their life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां नहीं पाई. Actually they have achieved. और वास्तव में उन्होंने पाई तो है. But when they compare with somebody else, then they think they have better, we don't have. और लेकिन वास्तव वो करते क्या कि वो तुलना करते हैं, सोचते हैं उनके पास बेहतर है, हमारे पास तो है ही. And if people are married, they are unhappy. और जो लोग शादीशुदा है वो बिल्कुल बहुत दुखी है. If people are unmarried, they are unhappy. अगर वो शादीशुदा नहीं है तो भी दुखी है. If they have job, they say, oh, this is very tough job. और उनके पास नौकरी है तो बोलते बहुत मुश्किल नौकरी है. If they don't have job, oh, we don't have job. ओ, अगर नौकरी नहीं है तो बोलते मेरे पास नौकरी नहीं है. Every condition, many people I have seen that are very unhappy. और मैंने हर एक परिस्थिति में मैंने लोगों को पाया कि वो हमेशा उदास रहते हैं. If they don't have cycle, they will say, well, I don't have cycle. अगर उनके पास साइकिल नहीं तो बोलेंगे मेरे पास साइकिल ही नहीं. But if they have cycle, they will say, well, I have cycle but not scooter. और फिर अगर उनके पास साइकिल है तो वो बोलेंगे साइकिल है लेकिन स्कूटर नहीं है. People are very much unhappy in their life. और लोग बहुत ज्यादा ना खुश रहते हैं. It's very difficult to satisfy such kind of person. और इस प्रकार के व्यक्तियों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है. Some people are unhappy because they have not achieved things in their life. और बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए ना खुश है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया है. Or they are comparing their success with somebody else. या फिर अपनी सफलता को वो दूसरों की सफलता के साथ तुलना करते हैं. Why Pastor Rakesh will have only nice hair? और क्यों पास्टर राकेश के पास सिर्फ अच्छा बाल है? Why I am bald headed? I don't have hair. और क्यों मैं टकला हूँ? मेरे पास बाल नहीं है.
you know, why that person is only that like that? और क्यों वो व्यक्ति सिर्फ उसी प्रकार से है? Why only he has the car? और क्यों सिर्फ उसी के पास गाड़ी है? Why I don't have this much big job? क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी नौकरी नहीं है. You know, so we are what we don't have, we concentrate on that, but what we have, we don't think about that. और जो हमारे पास है, उस पे हम ध्यान नहीं लगाते, लेकिन जो नहीं है, उस पे अपने ध्यान को हमेशा लगाए रखते हैं. And that's why we get unhappy. और इसलिए हम नाखुश हो जाते हैं. Why I have very small house? क्यों मेरे पास एक बहुत छोटा सा घर है? But friends, there are so many people in this world, they don't have house. और मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास घर तक नहीं है. They don't have any house. उनके पास कोई भी घर नहीं. They live on the street. वो रास्ता किनारे रहते हैं. Ask our young people who are giving food on the street. और हमारे यहाँ जवान लोगों से पूछे जो खाना देते हैं रास्ता में. I have seen the picture last week picture. Some people, they are sleeping on the street. और मैंने तस्वीरों को देखा तो कुछ लोग रास्ते में ही सो रहे थे. They sleep on the street. और वो रास्ता में सोते. They don't have house to live. उनके पास घर नहीं है. They don't have parents. उनके पास माता पिता. They don't have their loved ones staying together. और उनके पास प्रियजन हैं जो उनके साथ रहे. So if you want to compare yourself with those who don't have anything. और अगर आपके पास अगर तुलना नहीं करना चाहते तो आप उनसे तुलना करें जिनके पास कुछ भी नहीं है. So when we are unhappy. तो जब हम ना खुश होते हैं, we become so bitter. हम बहुत कड़वे हो जाते हैं. And what happens? और क्या होता है? We become so bitter. और जब हम बहुत कड़वे हो जाते हैं, what happens? क्या होता है? And we pass bitterness. और हम सारे कड़वाहट को देते हैं. We go to rebellion. और हम विरोधी बन जाते हैं. And we rebel. और हम विरोध करते हैं. And we cannot obey. और हम आगे नहीं मान सकते. We cannot go according to the purpose of our life. और हम अपने जीवन के उद्देश्य के साथ आगे नहीं. We are not able to see the picture clearly before us. और हम अपने आगे की तस्वीर को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते. And we are not able to do something extraordinary for which God has called us. और परमेश्वर जिस असाधारण काम के लिए हमें बुलाया है, नहीं कर पाते. Peaceful within ourselves. और हमें अंदर शांति से नहीं रहते. And we are so sad. और बहुत दुखी रहते. And we pass this bitterness and this sadness to the whole world. और हम इस कड़वाहट को उदासी को पूरे दुनिया में. And they say, "Oh, I am very victim." और आप बोलते हो, मैं तो बहुत बड़ा शिकार हूँ. And when you do a small mistake, और जब आप छोटी सी गलती करते हैं, and somebody point out, और आपको कोई ऐसा बोल देता है, you already know the whole world is against you. और आप जान जाते हैं कि पूरी दुनिया ही आपके विरोध में है. So you come in the self-defense. और फिर आप अपने आप को बचाव भी करने में आ जाते हैं. And this, that's why this has happened. और ये और सारी चीजें इसलिए हुई हैं. Because you have so many 100 reasons behind this. क्योंकि 100 कारण इसके पीछे आपके पास. Instead of just saying, "So sorry, I did that. I will not do again." और ये आप नहीं कहते हैं कि मुझे माफ करें और मैंने से कर दिया, मैं इसे वापस नहीं करूंगा. You know, because people are not sorted in their life. और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने जीवन में सुलझ के नहीं रहते. But when you come in the presence of the Lord, लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, I want to ask and put a challenge before all of us. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सामने चुनौती रखना चाहता हूँ. Jesus Christ and Christianity is not a religion. और यीशु मसीह और मसीहत एक धर्म नहीं है. It's about relationship. ये संबंध के विषय है. When you are having a relation with Jesus Christ, जब यीशु मसीह के साथ आपका संबंध होता है, you know, your bitterness will change to joy. और आपकी कड़वाहट खुशी में बदल जाएगी. Your hopelessness will come to hope. और आपका जहाँ आशा नहीं है वो आशा में बदल जाएगा. And when it seems there is no way, in that time God will make a way for you. और जब आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता जरूर बनाएगा. But give your best to the Lord. लेकिन परमेश्वर को अपना सबसे अच्छा दे. Give your best to the church. और कलीसिया को अपना सबसे अच्छा दे. Give your best to your cell groups and house groups. और अपने सेल ग्रुप और हाउस ग्रुप के लिए अपना सबसे अच्छा दे. When you do the best, और जब आप सबसे अच्छा करते हैं, God will give you the best. परमेश्वर भी आपको सबसे अच्छा देगा. Question they had asked me on radio. और दूसरे सवाल जो रेडियो में उन्होंने मुझसे पूछा था, ये एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे. How it is possible and why people say that? और क्यों ऐसे लोग बोलते हैं जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे, ये कैसे संभव है? Even the Bible says. यहाँ तक कि Bible भी कहता है. That you cannot cheat God. कि आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते. You cannot make fun of God. और आप परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते. What you sow, you will reap. और जो आप बोएंगे वही काटेंगे. You cannot expect jackfruit by sowing potatoes. और अगर आप आलू लगा रहे हैं तो आप कटहल की आशा नहीं कर सकते. If you are sowing potatoes, you will not get onions. अगर आप आलू लगा तो आपको प्याज नहीं मिलेगा. You need to sow onion to
get on it. आपको प्यास पाने के लिए प्याज ही लगाना पड़ेगा. You need to get so potatoes to get potatoes. आपको आलू पाने के लिए आलू ही बोना पड़ेगा. You cannot show bitterness and say, well, love me. और आप करवाहट को बो के आप ये नहीं बोल सकते मुझसे प्यार करो. So love and you will get love. और प्यार बोइए तो ही प्यार मिलेगा. What you sow, you will reap. और जो आप बोएंगे वही काटेंगे. So self-discipline. तो अपने आप को अनुशासित रखे. And you see that how the growth will come in your life. और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बढ़ोतरी होती है. If you are sowing undisciplined, अगर आप अनुशासित को नहीं बोते हैं, and think that I will get the best money of my life, और आप सोचेंगे मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैसा धन मुझे मिलने वाला है, that will come only in your dream. तो ये सिर्फ आपके सपने में ही आएगा. I will be a superstar and that's why I have to be undisciplined. और मुझे एक सुपरस्टार बनना इसलिए मैं अनुशासन में नहीं रहूंगा. No, you have to be disciplined first. और पहले आपको अनुशासन में रहना है. Then only you can be a superstar. तो ही आप एक सुपरस्टार बन सकते हैं. Just standing before 10 people, 20 people, 100 people, that will make you superstar, friends. और 10 या 20 या 100 लोगों के सामने खड़े होने से आप सुपरस्टार नहीं बन सकते. The Bible says that obedience is better than sacrifice. और बाइबल बताती है कि आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है. Hallelujah. Hallelujah. Obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है. We cannot cheat God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते. Let's end Sunday. Let's somehow reach फ्लाइट टिकट दूं आपको. And I say that 8 o'clock is your flight. और मैं बोलूं कि 8 बजे आपका फ्लाइट है. And I give you free ticket, go to Delhi and enjoy and come back. और मैं बोलूंगा कि मैं आपको मुफ्त में टिकट दे रहा हूं, दिल्ली जाइए और आनंद मना के वापस आ जाइए. What you will do? आप क्या करेंगे? Wake up 8 o'clock? 8 बजे उठेंगे क्या? रात भर सोएगा नहीं. Because I have got free ticket. क्योंकि मुझे एक मुफ्त की टिकट मिली है. And 1 hour before you have to reach to airport. और एक घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है. Am I right? सही बोल रहा हूँ. Right? And when you have to catch train, और जब आपको ट्रेन पकड़नी है, train is 3 o'clock. अगर ट्रेन 3 बजे है, ट्रेन मेरा ससुर का है, 10:30 बजे चलाएंगे. मेरा दादाजी ड्राइवर है, मेरे लिए रोक के रखेगा. वो करेंगे क्या? ड्राइवर रोक के रखेगा आपके लिए? No, they will not stop for you. और वो आपके लिए नहीं रोकेंगे. Even दादाजी is there, he will not stop. अगर उनके दादाजी भी वहाँ हो तो. If train is 3 o'clock, अगर ट्रेन 3 बजे, you cannot say, let me wake up 2:30 afternoon, then I will eat some food, then 3:30 I will reach. और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 बजे ट्रेन है तो 2:30 बजे किसी तरह उठ जाएंगे, खाएंगे, फिर 3:30 में पहुँचेंगे. But I'm telling. मैं बोल रहा हूँ. That obedience is better than sacrifice. कि आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है. What you do is not important. Who are you is important. और जो आप करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो आप हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. What आप क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. आप अपना जीवन कैसे चलाते हैं जब आप अकेले हैं वो महत्वपूर्ण है. ये महत्वपूर्ण नहीं कि पब्लिक में आप क्या कर रहे हैं. What you are is more important than what you do. और आपके काम करने से ज्यादा आप क्या हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. I see there are so many heroes in the Bible. और मैंने देखा है इस बाइबल में बहुत सारे हीरोज हैं. So many people in the Bible. बहुत सारे लोग हैं बाइबल में. And very less preaching is made about them. और बहुत ही कम प्रचार उनके बारे में बनाया गया है. So I was going through some unknown heroes of the Bible. और मैं बाइबल में कुछ अनजान हीरोज के बारे में ढूंढ रहा था. About whom people have not preached so much. और जिनके बारे में लोगों ने बहुत प्रचार नहीं किया. So I made a list of all those guys. मैंने उन सारे लोगों की सूची बना लिया. And I'm focusing on that. And today I want to speak of one man called Ananias. और मैं उस चीज से मैंने अपने ध्यान को लगाया. मैं बोलना चाहता हूँ आज अननियास के बारे में. Everybody talks about Peter, John and all the big people. और सभी को पत्रस, यहूना, बड़े-बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं. But I want to speak about this guy who is a very simple guy. और आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही साधारण है. Acts chapter 9. प्रेरितों के काम का अध्याय 9. What happened here? क्या होता है यहाँ? There was a person called Saul. और एक व्यक्ति था जिसका नाम शाऊल था. He got a letter from the synagogue authority.
और उससे एक पत्र मिला आराधनालय के अधिकारी से. He got from the high priest. और वो बहुत बड़े याजक से मिला. And he took the letter. और फिर उस पत्र को लिया. And he went and he said, I am going to torture all the people who are Christian. और वो ऐसा बोला कि मैं उन हर एक मसीहों को मैं सबको सताने वाला हूँ. And I will do घर वापसी of all the Christian. और मैं सारे जो मसीह हैं मैं उसके घर वापसी कर दूंगा. This Paul was doing that. और ये पॉल ऐसा कर रहा था. See, घर वापसी is not new thing, okay? और घर वापसी कोई नई बात नहीं है. It's from the very beginning. और ये बहुत शुरुआत से ही है. So Paul took the letter from the priest and said that all those people who are following Jesus Christ, I am going to arrest them and do घर वापसी. और पॉलुस ने क्या किया कि याजक से एक पत्र ले लिया और उसमें लिखा था कि वो सारे मसीहों को सताएगा और जो भी मसीह है उसे घर वापसी करवा देगा और उसे गिरफ्तार कर लेगा. This is what Paul is doing. और यही पॉल कर रहा था. He went on the street. और वो रास्ता में गया. Okay, you have become Christian. ओ, तुम मसीह बन चुके हो. Why did you become Christian? तुम मसीह क्यों बने? Beat this fellow. मार दो इसको. And even he was in the crowd when they were stoning Peter, Stephen till death. और जब वो जब पूरे भीड़ में थे तो उसे स्टीफनस को भी पूरे पत्थरबाज करके मार डाला था. Even Saul was there. और वहाँ साउल भी था उस भीड़ में. So this fellow was doing घर वापसी. और ये जो व्यक्ति वो घर वापसी कर रहा था. He was hating Christians. और वो मसीहों से नफरत करता था. Christian is the only if it is religion they say if somebody hits you in right cheek give the other one. और मसीह और धर्म ये जो मसीह है तो उसे ऐसे ही धर्म है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको एक गाल में मारता तो आप दूसरे गाल को फेर दे. Bible says love your enemy. अब बाइबल बोलती है अपने दुश्मनों से प्यार करो. Love your enemy. अपने दुश्मनों से प्यार करो. Other people say kill your enemy. और दूसरे बोलते हैं दुश्मन को मार डालो. But Bible says love your enemy. बाइबल बोलती है कि दुश्मनों से प्यार करो. With your love you can change somebody. और अपने प्रेम से आप किसी को बदल सकते हैं. With your hatred you cannot change anybody. अपने नफरत से आप किसी को नहीं बदल सकते. If somebody is coming with the sword, कोई भी तलवार के साथ आता है, and you are also going with the sword, और अगर आप भी तलवार के साथ जाते हैं, what is the difference? तो क्या अंतर है उसमें? There is no difference. कोई भी अंतर नहीं. With your love, you can tame even the big animal. और आप अपने प्रेम के साथ में एक बहुत बड़े जानवर को भी आप प्यार से कर सकते हैं, सहला सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. You can capture, you can tame the big animal. और आप बड़े से जानवर को आप अपने काबू में ला सकते हैं. Only with the love. लेकिन सिर्फ प्यार से. Not with your hatred. अपनी नफरत से नहीं. Not with that. I have seen people are playing with tigers and the lions. और मैंने देखा है लोगों को कि वो बाघ और शेर के साथ खेलते हैं. You know why? Because they love. और क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं. Okay, lion is there. हाँ, शेर वहाँ है. And you show your hatred to lion. और अपने नफरत को आप दिखा दीजिए शेर को. Just kick one, to lion. और आप एक लात मार दे शेर को. Well, what lion will say? Lion क्या बोलेगा? Excuse me, nonsense. माफ कर दे बकवास. Don't you know that who am I? जानते नहीं हो मैं कौन? I will tear you right now. अभी तुम्हें फाड़ डालूँगा मैं. You will say, no, I am stronger than you. ओ आप ऐसे बोलेंगे नहीं निश्चय मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. एक पादे का तो मर जाए. वही काफी लायक है. And you are thinking that you are stronger than life. With your love, you can win even the stronger personality. और अपने प्रेम के साथ आप बहुत बड़े व्यक्तित्व को भी जीत सकते हैं. See, there is a guy that is called Ananias. और इस एक व्यक्ति जिसका नाम हनन्या है. So Paul was going on the way to do घर वापसी. और पॉलस अपने रास्ते पे था कि लोग घर वापसी कर सके. And he was torturing people. और वो लोगों को बहुत सता रहा था. And then what happened? और फिर क्या होता है? In chapter 9 verse 6 verse 5 and 6 it says in verse 4 it says Saul why you are persecuting me? और नौ उसका ध्यान नौ का चापत में से कहते हैं कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? There was a voice came from heaven. और एक स्वर्ग से आवाज आती है. Saul, why you are persecuting me? ओ Saul, तुम मुझे क्यों सताते हो? This fellow said, who are you, Lord? और ये व्यक्ति बोलता है, प्रभु तू कौन है? He said, I am Jesus. वो कहता है, मैं यीशु हूँ. Whom you are persecuting? जिसको तुम सताते हो. I am Jesus. मैं यीशु हूँ. Whom you are persecuting? जिसे तू सताता है. So he trembled. और फिर बहुत ज़्यादा कांप गया. And he said, Lord. वो कहा, प्रभु. What you want me to do? और तू क्या चाहता है कि मैं करूँ? He said, arise. और वो बोलता है खड़े हो. And go to the city. और फिर इस शहर में जाओ. And you will be told what you must do. और तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए. And then Saul, this persecutor who was doing घर वापसी, he was blinded for 3 days. और ये जो शाऊल था जो घर वापसी करता था सतावट करता था वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया. He could not see. वो देख नहीं पाया. People took him to Damascus. और लोग उसे दमिश्क ले गए. People took him to Damascus. और उसके दमिश्क ले गए लोग. Open the door please.
People took him to Damascus. और लोग दमिश्क में ले गए पॉलिस को. So what happened? तो क्या होता है? That Paul is not able to see now. और पॉलिस अब देख नहीं सकता. And then. और फिर. In verse 10. और 10 पर. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. दमिश्क में हनन्या नाम का एक चेला था. And to him the Lord said in the vision, Ananias, and he said, Here I am. उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे अनन्या, उसने कहा, हाँ प्रभु. Now it was a very difficult time. और ये बहुत ही मुश्किल का समय था. Very very difficult time. बहुत बहुत ज़्यादा. All the believers they were afraid. सारे विश्वासी डर चुके थे. Now I am an Indian. और मैं एक भारतीय हूँ. I am an Indian. मैं एक भारतीय. And I am proud to be a Christian. और मुझे गर्व होता है मसीही होने पर. I am born here in this land. और मैं इसी भूमि पे जन्म लिया. And I know I am a Christian. मैं जानता हूँ कि मैं मसीही हूँ. I love my country. और मुझे अपने देश से प्यार है. I will do anything and everything to save my country. मैं कुछ भी और सब कुछ करूंगा अपने देश को बचाने के लिए. The Bible says. और बाइबल बोलती है. This time was a very difficult time for the church. और ये समय था कलीसिया के लिए बहुत मुश्किल का समय था. So and this all the disciples were afraid. और ये सारे चेले बहुत ही डरे हुए. Why? Because high priest has given the authority to kill and beat and arrest all the Christians. क्योंकि जो बड़े महायाजक ने ये अनुमति दे दिया था कि सारे जो मसीह है उसे मार सकते हैं, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं. Bible says, Bible कहती है, love your enemy. और अपने दुश्मन से प्यार करो. If tomorrow somebody comes and beat you, अगर कल आके आपको मारता है, just because you are a Christian, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मसीही हैं, before that person beats, और उस व्यक्ति का मारने से पहले ही, tell to him, उसे बोल दीजिए, I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Pray for him. मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ. Pray for his children. उसके बच्चों के लिए प्रार्थना. Pray for his health. उसके स्वस्थ के लिए प्रार्थना. Pray that God will bless him. और प्रार्थना करें परमेश्वर से आशीष दे. After you pray for him, tell him beat me now. और आप प्रार्थना करने के बाद बोले अब मुझे मारो. You have to be good even to your enemy. और अपने शत्रु के साथ भी आपको भला बनी रहना है. And that is what the teaching of the Bible. और यही है बाइबल की शिक्षा. Bible says respect your government. और बाइबल बोलती है अपनी सरकार का तुम सम्मान करो. Respect the government. और सरकार का सम्मान करना चाहिए. Love them. उन्हें प्यार करें. Now good people can make bad decisions. और अच्छे लोग गलत निर्णय ले सकते हैं. When you have to obey God, you have to obey God. और जब आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी तो आपको उनकी आज्ञा माननी है. In that time you cannot compromise. और उस वक्त आप कोई समझौता नहीं कर सकते. So all the church and all the disciples they were very afraid. और सारे कलीसिया और चेले बहुत डरे हुए थे. So what happened? तो क्या होता है? Now there was certain disciple named Ananias in Damascus. और दमिश्क में एक चेला था, एक चेला था उसका नाम था. And Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. और प्रभु ने दर्शन में कहा, हे अननियास, ने कहा, हाँ प्रभु. Ananias was able to obey the Lord. Just because he could hear the voice of the Lord. और हनन्याह सिर्फ इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मान सका क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था. He could hear the voice of the Lord. और वो परमेश्वर की आज्ञा को मान सकता था. You know, half of the problem of the world will be solved. और पूरी दुनिया का आधा समस्या तभी खत्म हो जाएगा. Now listen carefully. और ध्यान से सुनो. Half of the problem of the world will be solved. और पूरी दुनिया का लगभग आधा समस्या तभी खत्म हो जाएगा. If we hear more and speak less. अगर हम ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे. But we want to speak more. लेकिन हम ज्यादा बोलना चाहते हैं और कम सुनना चाहते हैं. We have two ears. हमारे पास दो कान हैं. So that we should hear double, okay? ताकि हम दोगुना सुन सके. And speak less. और कम बोल सके. Everyone wants to speak. सभी कोई बोलना चाहते हैं. Okay, he can preach, I can preach. वो प्रचार कर सकता तो मैं भी कर सकता. He can teach, I can teach. वो सिखा सकता तो मैं. Everyone wants to do everything. और सब कोई सब कुछ करना चाहता है. Everyone wants to be a leader. और सभी कोई अगुवा बनना चाहता है. Everyone wants to be a politician. सभी को राजनीति. Everybody wants to do everything. और सभी कोई सब कुछ करना चाहते हैं. No, everybody does not have the same talents and abilities and the responsibilities. हर एक के पास एक ही क्षमता और एक ही दायित्व नहीं होता. God has called you to do something, just do that because you can do that. और अगर परमेश्वर ने आपको कुछ चीज करने के बुलाया है तो आप उसे ही करेंगे कि आप उसे बेहतर कर सकते हैं. First thing that Bible says that when God said to Ananias, Ananias, and he said, Here I am, Lord. और पहली बात जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रभु ने जब अनन्या को बोला तो वो उसने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ. Ananias could hear the voice of the Lord. अनन्या प्रभु की आवाज को सुन सका. Friends, in the difficult time, do you hear the voice of the Lord? मित्रों क्या आप मुश्किल समय में प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं? Or you make a decision and say, Lord, you come in my decision. और आप क्या निर्णय लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में और मैं निर्णय लूंगा आपके अनुसार. When we are in the middle of the problem, जब हम समस्या के बीच में होते हैं, we concentrate all about the problem. और हम पूरी समस्या में ध्यान
ध्यान को लगा देते हैं. दिस विल हैपन. ये होगा. एंड देन दिस विल हैपन. तब वो चीज. एंड देन इट विल हैपन. उसके बाद सारी चीजें. एंड देन इट विल हैपन. और उसके बाद वो होगा. बट 99% थिंग्स दैट वी आर वरिंग इट डज नॉट हैपन. और 99% जिसके बारे में चिंता कर रहे वो नहीं होता. ओनली आवर इमेजिनेशन. सिर्फ वो हमारी कल्पना ही रहती है. ओनली आवर इमेजिनेशन. सिर्फ हमारी कल्पना रहती है. आई विल टेल यू फ्रेंड्स. व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द प्रॉब्लम. जब आप समस्या के बीच में. व्हाट यू एंड आई नीड टू डू. और जो मुझे और आपके काम करना है. नॉट कंसंट्रेट and put our energy on the problem. हमें समस्या में फिर ध्यान और ऊर्जा को नहीं लगाना. But concentrate and put our energy on the solution, and our solution comes from the Lord. और हमारे और हमारी सारी सोच को केंद्र को और ऊर्जा को हमें समाधान में लगाना जो परमेश्वर की ओर से आता है. We can fix our eyes to Jesus and say, Jesus, you give me answer. और हमें अपनी आंखों को यीशु में लगाना चाहिए और बोलना चाहिए कि यीशु मुझे उत्तर दे. Somebody asked me, Pastor Rakesh. किसी ने मुझसे पूछा, Pastor Rakesh. What do you have to say about anti-conversion bill? Anti-conversion bill के बारे में आपको क्या बोलना है? I know it is life. और I know it is life. और मैं जानता हूँ ये जीवन है. What? I know it is live in the Facebook. और ये live है Facebook में. Somebody asked me, what do you have to say about anti-conversion bill? और वो उससे वो पूछता है कि anti-conversion bill के बारे में आपको क्या बोलना है? I don't have an answer. मैंने कहा कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है. I can only pray for the authority. और सिर्फ मैं अधिकारी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ. I can pray for my nation. और मेरे राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ. I can pray for all the communities and all the societies. और मैं सारे समाज के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ. So that we will live in peace and harmony. ताकि हम एक साथ हम प्रेम में बने रहें. Hallelujah. Hallelujah. Even those who are making all these things, they don't have answer. और जो लोग ये चीजें करते हैं उनके पास भी कोई उत्तर नहीं है. How can I have answer? तो मेरे पास कैसे उत्तर हो सकता है? Because my Bible says. If you don't love a person whom you see every day, और अगर आप उस व्यक्ति को प्यार नहीं करते जिसे आप हर दिन देखते हैं, if you don't love a person whom you see every day, और उस व्यक्ति को आप प्यार नहीं करते जिसे आप हर दिन देखते हैं, how can you love God whom you have not seen? तो आप परमेश्वर कैसे प्यार कर सकते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा? I don't care who stays in my next door. It may be Muslim, Hindu, Sarna, or anybody. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बगल में कौन है, हिंदू, सरना या मुस्लिम. मैं उसे प्यार करूंगा. As a Christian, I have to love that person. और मुझे मसीह होने के नाते उसे प्यार करना है. I have to bless him. मुझे उसे आशीष देना है. I have to pray for him. मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है. I need to carry atmosphere which is a positive atmosphere for my society. और मुझे अपने समाज के लिए एक सकारात्मक वातावरण को लेके जाना है. If I don't love the person whom I see, how can I love God whom I have not seen? और जिसे मैं हर दिन देखता हूँ, अगर नहीं मैं प्यार कर सकता तो मैं इस परमेश्वर कैसे प्यार करूंगा? There is no use of giving all your money to Jerusalem where people are dying on the street in Ranchi. और कोई फर्क कोई आपके पैसे कोई मतलब नहीं अगर आप यरूशलेम में जाके हर एक लोगों को पैसे दे देते हैं, लेकिन रांची में लोग मर रहे हैं. You need to put your strength here. आपको अपनी ताकत को यहाँ डालने की जरूरत है. Love people. लोगों से प्यार. Not with the words. और शब्दों से नहीं. With the action. कार्यों से. With your work. अपने कामों से. Ananias could hear the voice of the Lord. हनन्याह परमेश्वर की आवाज को सुन सका. Friends, when you are in the problem. मैं तुझे बाप समस्या में something wrong going on in your life. कुछ जीवन में गड़बड़ी है. When you are not finding any way. जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता. Number one. पहली बार. Hear the voice of the Lord. प्रभु की आवाज को सुने. Recognize that it is Lord is calling. और पहचाने कि ये प्रभु मुझसे बात कर रहा है. Many people they say that we follow Jesus Christ. बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु के पीछे तो चलते हैं. But if Jesus talks to you tonight. लेकिन अगर आज यीशु आपसे बात करे. You will not be able to recognize. आप उसे पहचान नहीं पाएंगे. How does Jesus talk? कि यीशु कैसे बात करता है? How does Jesus and God talk to us? और कैसे यीशु या परमेश्वर हमसे बात करता है? He talks to us through the word of God. वो अपने परमेश्वर वचन से बात करता है. He talks to us through his servants. वो अपने दासों के द्वारा बात करता है. He talks to us through his prophets. वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा. So many people they don't have any connection with the relationship with God, with Jesus Christ. That's why they are not able to obey him. और इसलिए बहुत सारे लोगों का जो संबंध है परमेश्वर के साथ नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाते. And Ananias said, here I am Lord. Ananias ने कहा मैं यहाँ हूँ प्रभु. Here I am Lord. मैं यहाँ हूँ. I want to do what you want me to do. और जो भी आप चाहते हैं मुझे करना मैं सब कुछ करूंगा. Here I am. मैं यहाँ हूँ. And the second what he did. और दूसरी बात जिसने किया. Ananias, he was fearing the Lord. और हनन्याह परमेश्वर का भय मानता था. He was fearing the Lord. वो परमेश्वर का भय मानता था. He was respecting the Lord. परमेश्वर का सम्मान करता था. The Bible says. बाइबल कहती है. In verse 11, when you read, so the Lord said to him, arise and go to the street called straight and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus.
for behold, he is praying. 11 पर तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधा सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है. And in a vision, he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him. So that he might receive his sight. और उसने हनन्याह नाम के पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए. Then Ananias answered, Lord. उत्तर दिया, हे प्रभु. I have heard from many about this man. कि मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है. How much harm he has done to your people. आपके लोगों के साथ उसने कितनी परेशानी बुराइयां की हैं. In Jerusalem, यरूशलेम में. This person is very bad. ये व्यक्ति बहुत बुरा है. This person is doing घर वापसी. ये व्यक्ति घर वापसी करता है. He is killing the people. ये लोगों को मारता है. He is torturing the people. लोगों को सताता है. I have heard about this man. और इस व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है. So Ananias was even afraid of Saul. Now he was fearful of God. Now listen to this, he was respectful to God. He was fearful of God. Whatever God has to say, he will do that. But he was also a human being. He was afraid. God, I heard about Saul. ओ प्रभु मैंने शाऊल के बारे सुना है. This fellow is very dangerous. ये व्यक्ति तो बहुत खतरनाक है. He has taken a letter from the high priest. अब वो बड़े याजक से उसने पत्र लिया है. So all those who are Christian, he is torturing them. और जो भी मसीही हैं, वो सता रहा है. I know this fellow is very dangerous. मैं जानता हूँ व्यक्ति बहुत खतरनाक है. You might be thinking about some people who are very dangerous, right? और हो सकता है उन लोगों के बारे सोचते जो बहुत खतरनाक है अभी. People may be dangerous. लोग खतरनाक हो सकते हैं. You know why they are dangerous? आपको पता है वो खतरनाक क्यों है? Because they are afraid. क्योंकि वो डरे हुए हैं. They are panic. वो बहुत ज़्यादा वो डरे हुए हैं. You relax. आप आराम से रहिए. You don't be dangerous. आप खतरनाक ना बनें. You just relax. आप बस आराम से रहें. And trust the Lord. और प्रभु पे विश्वास करें. And follow the Bible. बाइबल के पीछे चलें. You don't have to be dangerous. और आपको खतरनाक बनने की ज़रूरत नहीं है. Let people be dangerous. लोगों का तनाव बनने दे. And then with your love, और प्रेम से, even the danger will turn to saint. और याद रखिए जो खतरनाक है वो संत में बदल जाएगा. Hallelujah. With your love, आपके प्रेम से, those all the bad attitude will change to the good attitude. और सारे जो बुरा बर्ताव है वो अच्छे बर्ताव में बदल जाएगा. But if you be also danger, लेकिन अगर आप भी खतरनाक हो जाते हैं, then both of you will end up in hotwar jail. और आप दोनों hotwar jail चले जाएंगे. Where you will fight with the sword. आप तलवार से लड़ेंगे. One person head is gone. और एक व्यक्ति का सिर चला गया. And other person will be arrested in the murder case. और दूसरा व्यक्ति मर्डर के मामले में वो अंदर चला जाएगा. So you relax. तो आप आराम से रहिए. Don't panic. आप ना डरिए. Know that he is the Lord. और जाने वो प्रभु है. Yes, bad time. हाँ, बुरा समय में. It's fine. ठीक है. Blessed are those who are persecuted. और जो सतावट सहते हैं वो धन्य हैं. Hallelujah. Hallelujah. Blessed are those who are tortured. और धन्य हैं वे जो सतावट सहते हैं. Not for your mistake. आपकी गलतियों के लिए नहीं. But for the Lord. The Bible says, he was afraid of Saul, और वो शाऊल से डरता था, but he was respectful to God. लेकिन परमेश्वर के प्रति वो भय रखता था. This was a total bad situation. ये बिल्कुल बुरा परिस्थिति था. But this fellow, he was ready to go and do the will of God and obey the will of God even in the danger condition. और ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को सुनने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार था यहाँ तक कि बुरे परिस्थिति में. I asked somebody, why you don't come on time? और मैंने किसी से पूछा कि आप समय पे क्यों नहीं आते? Because it was raining. क्योंकि बारिश कर रहा था. उसने कहा, Because it was raining. क्योंकि बारिश कर रहा था. Buy an umbrella. और आप एक छाता खरीद लीजिए. और आइए. You are not made of paper, no? Newspaper. आप कोई समाचार पत्र कागज से नहीं बने हैं. पिघल जाएंगे रास्ते में. पानी गिर जाएगा, छेद हो जाएगा, इधर छेद हो जाएगा. फिर चिप्पी लगाना पड़ेगा वो टायर वाला दुकान में जाके. You are not like that. आप उस प्रकार के नहीं हैं. Be wild. आप एकदम साहसी बने. Hallelujah. Hallelujah. Be wild. आप साहसी बने. Take some risk. और कुछ खतरा उठाए. You will not get the bed of roses. आपको फूलों का आपको बिस्तर नहीं मिलेगा. Ah, everybody, you know, some people think that people should put red carpet. और कुछ लोग सोचते हैं मेरे आगे तो लाल कालीन होनी चाहिए. You are not Priyanka Chopra, okay? आप प्रियंका चोपड़ा नहीं है. Don't be Priyanka Cobra. Priyanka Cobra ना बने. You are not a superstar. आप एक superstar नहीं. Some people think they come to the church. How they come to the church? कुछ लोग इस प्रकार से कैसे आते हैं? I come to the church very spiritual.
Praise the Lord, hallelujah. Sit in the corner. Why this fellow is preaching? What is preaching? Evaluation, okay. Huh? All the evaluation. Yeah, today worship is good, okay? Wonderful. Good job. It is spiritual. Show your spirituality, come 8 o'clock and clean this place and put the sound system, okay? That is what more spiritual is. Hallelujah. You might be thinking that I'm gone mad. When I came this morning, 8 o'clock, none of the elders were there. No band people are there. कोई बैंड के लोग यहाँ नहीं थे. Nobody is there. कोई नहीं था. So we have to do, as a pastor, I have to clean and do everything, put sound and this and that, fix everything on the fan, on the light, proper everything is there, you know. और एक पासवान होने के नाते मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे साफ करना है, मुझे चेयर्स लगाने हैं, मुझे साउंड सिस्टम लगाना है. After all, who wants to be a pastor? After all, who wants to be a pastor? और क्योंकि कौन बनना चाहता है पासवान? I am training you so that you can be pastor. और I'm training you so that you can be a pastor. और मैं आपको इसलिए प्रशिक्षण दे रहा हूँ ताकि आप भी एक पासवान बने. And have a pain. और एक दुख झेले. Pain of serving Lord. और परमेश्वर सेवा करने का दुख. That why not we can do better. और क्यों प्रभु हम बेहतर नहीं कर सकते? Why not we can be dedicated? और क्यों नहीं हम समर्पित हो सकते? Why on the cinema hall we can go on time? और क्यों सिनेमा हॉल में हम समय पे जाते हैं? But why not the church? ये कलीसिया में क्यों नहीं? Ananias was able to hear the Lord. In the bad condition. और बुरे समय में. You don't get auto rickshaw, it's bad. और आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है, ठीक है. Come 1 hour before. एक घंटा पहले आए. You may get the another auto. आपको दूसरे ऑटो मिल जाएंगे. You will get that. और आप मिल जाएगी. You can do it. आपसे कर सकते हैं. Friends, we cannot cheat God. मित्रों परमेश्वर धोखा नहीं दे सकते. We cannot cheat God. आप परमेश्वर धोखा नहीं दे सकते. You have kids, I have kids, everybody has kids. मेरे पास बच्चे हैं, आपके पास बच्चे हैं, सभी के पास बच्चे हैं. So we can come on time. लेकिन फिर भी हम समय पे आते हैं. Get up 4 o'clock morning. If you have to spend 3 hours in bathroom. 4 to 7 spend in bathroom. But here, come on time. Ananias was able to connect to the Lord. His heart was beating for the Lord. In the danger condition. और बुरे परिस्थिति में. Tomorrow if there is announcement. अगर कल के लिए घोषणा कर दीजिए. Anybody who will come in this church will be beaten up. कि अगर यहाँ जो भी इस तरह से आएगा मारा जाएगा. What do you say? आप क्या कहेंगे? मार खाएगा. मार खाएगा. What do you say? आप क्या कहेंगे? I will take a sword, right? मैं भी तलवार लेते आऊँगा. What do you think? आप क्या करेंगे? अरे वो चर्च में मारता है, फिनी के चर्च में जवान ही मारता है, जेल चर्च में नहीं मारता, सीएनए चर्च में नहीं मारता. और इस प्रकार से नहीं है. If we are enjoying the good time, enjoy the bad time together. अगर आप बुरे, आप अच्छे परिस्थिति में आप अच्छे से आप खुशी मनाते हैं, तो बुरे समय भी आनंद मनाइए. Hallelujah. Hallelujah. Connected to the Lord. और परमेश्वर. When you are connected to the Lord, He gives you enough courage to stand in the difficult times. और जब आप परमेश्वर जुड़े रहते हैं, तो आपको इतना साहस देता है कि आप बुरे परिस्थिति में आप हियाव से खड़े हो. Yes, he was afraid of Paul. हाँ, वो शाऊल से डरा हुआ था. He was afraid. वो डरा हुआ था. But what he decided? लेकिन उसने जो निर्णय लिया. Even in the bad condition. यहाँ तक कि बुरी स्थिति में भी. Still I will go and serve. मैं फिर भी परमेश्वर की जाके सेवा करूँगा. I will go to Saul and pray for him. और मैं जाके शाऊल के लिए प्रार्थना करूँगा. When people are afraid. जब लोग डरे हुए थे. This fellow is dangerous. और ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है. Okay, no problem. Maybe he will beat me or kill me, but still I will obey the Lord. ओ, उस तरह मुझे मार डाले, वो मुझे बहुत मारे, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के आगे को मानूंगा. He was not touch me, not plant. और वो छुई हुई पौधा नहीं था. मुझे छू दिया. अरे आज पीठ दर्द है, आज नहीं जाना है, कुछ नहीं करना आज. हेडेक हो रहा है, आज नहीं जाना है, आज ऑफिस नहीं जाना. क्यों? क्योंकि हेडेक है. कुछ लोगों का स्टोमक हेडेक होता है, स्टोमक में भी हेडेक है. एक दिन किसी ने पूछा मेरे स्टोमक हेडेक है, मैंने बोला पहले तो ये तो बता लो स्टोमक में हेडेक नहीं होता है. कुछ लोग इतना मतलब बहाना, I cannot do this. Make how can you do it? और आप संभव इस चीज के लिए बता कि आप कैसे कर सकते हैं. Ananias was having enough reason not to go. हनन्या के पास सारे कारण थे कि वो नहीं जा पाता. But he said no, I will.
लेकिन उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा I will not be afraid of this Saul मैं साउल के प्रति में नहीं डरूंगा I will go and what happened और मैं जाऊंगा फिर क्या होता है First thing पहली बात Ananias was able to hear the Lord Ananias प्रभु को सुन सका He was able to and he was fearing the Lord और प्रभु को भय मानता था And last thing और आखिरी बात He was willing to do what the Lord told him to do और वो जो परमेश्वर ने उससे बोला था वो उससे वो इच्छा से But the Lord said to him go for he is a chosen vessel of mine to bear my name before gentile kings and the children of Israel परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा क्योंकि या तो अन्य जातियों और राजा और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने For I will show him how many things he must और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा God is saying, Go because I have chosen Saul. और परमेश्वर बोलता है जाओ क्योंकि मैंने शाऊल को चुना है He was willing to do what God asked him to do. और जो परमेश्वर उसे कहा था उसे करना चाहता था Not a personal gain. Not a personal game. और एक निजी कोई खेल नहीं था But making somebody hero. लेकिन किसी को एक हीरो बनाना था Friends, God has given you a place. परमेश्वर ने आपको एक जगह दी है. Don't try to be on somebody's place. किसी और की जगह में आप जाने की कोशिश ना करें. You are hero in your place. आप अपनी जगह में हीरो हैं. Hallelujah. Hallelujah. Don't copy somebody. और किसी की आप नकल ना करें. You are the best. आप सबसे अच्छे हैं. There is no one in this world like you. और कोई भी दुनिया में आपके समान कोई दूसरा नहीं है. 6 billion people. और 6 billion लोग. Nobody is like Tara. और कोई भी तारा के समान नहीं. Nobody is like Sonu. और कोई भी सोनू के समान नहीं. Nobody is like Pawan. कोई भी पवन के समान नहीं. आमिर खान may think like he is like Pawan. और आमिर खान सोच सकते कि वो पवन भाई के समान है. But he is not like Pawan. लेकिन आमिर खान पवन की तरह नहीं है. Nobody is like you. और कोई भी आपके समान नहीं. You are such a unique person. आप कितने ही बहुत ही अलग व्यक्ति. What you can do, other cannot do. जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। If God wanted you to be somebody, अगर परमेश्वर चाहता कि आप कोई बने, He would have made somebody. तो आपको वो कोई बना सकता था। But He made you. लेकिन वो आपको बनाया। You are individual. आप एक अकेले हैं। And you are so special. और आप अकेले बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं। Don't try to copy somebody. किसी और की नकल ना करें। But God can use you. लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। To make a hero. ताकि आप एक हीरो बन सके हालेलुया गॉड कैन यूज यू दैट यू विल मेक अ हीरो और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप एक हीरो बने सिंस एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑन द फ्रंट और सभी कोई सामने रहना चाहते हैं ओह पीपल शुड टेक माय नेम और लोग मेरा नाम लें यस एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स गुड और मनुष्य होने के नाते ठीक है यू नो इफ समबडी हैज पेंटेड वेल और किसी ने अच्छे से पेंट किया एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट एंड क्लैप फॉर पेंटर और हर एक कोई पेंट करने वाले के लिए ताली बजाएगा सराहना करेगा ओह वेरी नाइस पेंटिंग ओह कितना सुंदर बट नोबडी हैज एवर क्लैप फॉर प्लंबर लेकिन किसी ने भी प्लंबर के लिए तालियां नहीं बजाई प्लंबर ब्रिंग्स द वाटर और जो प्लंबर है वो पानी को लाता है हिज वर्क इज बिहाइंड द वॉल बिहाइंड ओके और उसका जो काम है वो दीवार के पीछे यू कैन नॉट सी ऑल द पाइप्स कमिंग और आप सारे पाइप को आते हुए नहीं यू कैन नॉट सी द वाटर कमिंग आप पानी को आते हुए नहीं देख सकते बट द पेंटर हैज यूज्ड ऑल दिस वाटर एंड हैज मेड अ वंडरफुल पेंटिंग और इस पेंटर ने सारे पानी को इस्तेमाल करके एक सुंदर सा पेंटिंग बनाया डज इट मेक डज इट मींस दैट द वर्क ऑफ द प्लंबर इज यूजलेस क्या इसका मतलब यह है कि प्लंबर का काम बिल्कुल बेकार है इट इज वेस्टेड क्या ये बिल्कुल बेकार चला गया इट्स नॉट Maybe nobody has seen the work of the plumber. वो सिर्फ किसी भी प्लंबर के काम को नहीं देखा. But still, that is very important. जितने भी वो बहुत महत्वपूर्ण हैं. You are a king maker. आप एक राजा बनाने वाले हैं. You are making a hero. आप एक हीरो को बनाते हैं. Ananias was making a hero. हननिया एक हीरो बना रहा था. He was taking lot of risk. और बहुत ज़्यादा वो खतरा उठाया. And then he went. For Paul to pray for Saul. और फिर वो गया शाऊल के लिए प्रार्थना करने. And God said that I have chosen him. और परमेश्वर ने बोला कि मैंने चुन लिया है. If you are in this place, we are in the place. अगर मैं और आप उस जगह में होते तो. Why did he choose him? उसे क्यों चुना? He is torturing other people. दूसरों को तो सताता है वो. He is bad. बहुत बुरा है. Why he didn't choose me? क्यों उसने मुझे नहीं चुना? Why you did not choose me? और क्यों आपने मुझे नहीं चुना? I always listen to you. मैं तो हमेशा सुनता हूँ. Now also I'm ready to go. अभी मैं तैयार हूँ आपके जाने के लिए. Why you are choosing Saul? क्यों आप Saul को चुन रहे हैं? I don't want to go. मैं नहीं जाऊँगा.
and I will make him hero. मैं से हीरो बना दूंगा. I will work for him. मैं उसके लिए फिर काम करूंगा. I do all the work and he gets all the credit. और मैं सारा काम करूं उसे साथ श्रेय मिले. It is bad. ये बुरा है. I will not do that. मैं नहीं करूंगा. See, Paul has written around 14 books of the Bible. अब पॉलस ने लगभग बाइबल के 14 पुस्तक लिखे हैं. Including Hebrews, if we say Hebrews. और अगर इब्रानी को जोड़ लेते हैं तो 14 books. 14 पुस्तक. But Ananias has invested in the life of Paul. Ananias ने शाऊल के जीवन में निवेश किया. Hallelujah. Hallelujah. Nobody has clapped for Ananias. किसी ने भी अनन्या के लिए ताली नहीं बजाया. He is a little known saint. और वो बहुत ही कम जानने वाला एक जाने वाला संत है. Nobody knows him well. कोई भी इसे नहीं जानता. But his investment is so great. उसका जो निवेश था वो बहुत बड़ा था. Friends, your investment is not useless. आपका जो निवेश है वो बेकार नहीं जाएगा. You can make somebody hero. किसी को आप हीरो बना सकते हैं. With your words, with the encouragement. और उत्साह के कुछ शब्दों के द्वारा. Ananias said, Lord, I will do whatever you want me to do. ने कहा, हाँ प्रभु, जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ, मैं वो सब करूँगा. I want to tell you one story and finish. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, फिर मैं खत्म करूँगा. Now listen to the story. और ध्यान से सुने. Everybody listen to the story. सभी को ध्यान से सुने. There was a company. और एक कंपनी था. The CEO of the company. उस कंपनी का CEO. And he was very, very old. वो बहुत बूढ़ा था. And he said to all the staffs. और फिर से सारे कर्मचारियों से. He said, I want to make one of you the next CEO. और उसने कहा कि मैं आप में से किसी एक को अगला CEO बनाऊंगा. And everybody was very happy. सभी को बहुत खुश थे. They started talking like, okay, he will be there or she will be there. और सब से बोलते अरे वो होगा. And he said that he fixed a date. और फिर वो and everybody was in the conference hall. और एक दिन निर्णय हुआ. And he said that one of you are going to be the next CEO of the company, next director of the company. और उसने कहा कि तुम में से कोई एक अगला डायरेक्टर होने वाला इस कंपनी का. And everybody was very excited. But he gave one seed to all the staffs. और सभी को उसने एक-एक बीज दिया. And there was a young man also. और एक जवान व्यक्ति भी था. His name was Rehan. उसका नाम रेहान था. Rehan Paul. And this fellow was also in among the staffs. और ये सारे कर्मचारियों के बीच में था. So everybody got the seed. और सभी को ये बीज मिल गया. Rehan also got the seed. रेहान को भी बीज मिल गया. And they went home. और फिर वो घर गए. And this CEO, the old CEO, told that you have to plant this, and if your plant is very good and attractive, I will come and evaluate, and the best person whose plant is the best, I am going to give him the CEO post. और फिर इस CEO ने कहा कि आप में से सभी को जो बीज मिला है उसे जाए घर में लगाए और जिसका पौधा सबसे आकर्षित होगा सबसे सुंदर होगा मैं जाके सबका निरीक्षण करूंगा और जिसका होगा उसे मैं CEO का पद दे दूंगा. Their seed. सभी को ने बीज ले लिया. And they prepared, you know, a very nice pot and put there. Prepared the soil and put the seed there. और सभी को ने बहुत सुंदर से पॉट को तैयार किया बीज को डाल दिया. And they are putting water and you know whatever fertilizer whatever they have to do. और जितना वो पानी डालने लगे उर्वरक डालने लगे. After 2 weeks. और 2 सप्ताह के बाद. In the office, Rehan heard that people are talking. और रेहान ने सुना ऑफिस में कि लोग बात कर रहे हैं. Oh, they are talking. Oh, look, my plant is coming very well. Somebody said, oh, very nice plant. और किसी ने कहा कि देखो मेरा पौधा बहुत सुंदर बढ़ रहा है. The plant is very green. Oh, मेरा तो बहुत सुंदर हरा है. They're saying, oh, it's growing very fast. Oh, ये तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है. And they're talking. They ask them what you put. They said, I'm putting Kent water, not the tap water. और किसी ने बोला, मैं तो Kent water में डाल रहा हूँ, मैं नल का पानी नहीं डाल रहा हूँ. So others putting that I'm putting cow dung gobar. You know, this is coming very good. और मैं गोबर डाल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है. So they're discussing that. इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं. But Rehan is very sad. लेकिन रेहान बहुत दुखी था. He went to his home. वो घर गया. He has been putting water and fertilizer and everything, but the plant is not coming. और वो बीज डाला और वो सब कुछ किया लेकिन पौधा नहीं आया. He told to his wife. उसने अपनी पत्नी से कहा. Rehan is already married now. और रेहान अब शादीशुदा है. I don't know his wife's name right now. मैं नहीं जानता उसकी पत्नी का नाम क्या है. So Rehan told to his wife. और रेहान अपनी पत्नी को बोला. I'm doing lot of good thing, but in office everybody is talking their plant is coming but why in my seed the plant is not coming. और रेहान अपनी पत्नी से बोलता देखो मेरे जो ऑफिस के कर्मचारी सभी का सुंदर पौधा निकल रहा मेरा तो निकल क्यों नहीं रहा. Oh, you know, I'm putting, I'm doing hard work. वो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे. See, he heard about wife, so he is saying, yeah, I'm doing a lot of hard work. और मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ. But why the plant is not coming? Oh, लेकिन यार पौधा निकल क्यों नहीं रहा. 3 months pass.
3 months passed, and everybody is joyful in the office. Oh, you know, plant is very beautiful, and people are doing competition. Oh, my plant is coming good, my plant is coming good. But Rehab is very sad. Because nothing is coming out from that seed. Oh, and it came 8 months and 1 year passed. The plant did not come out from Rehan's seed. और रेहान के जो बीज था से पौधा नहीं निकला. He was very upset. बहुत दुखी था. He told to his wife. पत्नी को उसने बोला. I think I'm going to lose the job now. और मुझे लगता है कि अब तो मैं नौकरी. Because in the office everybody has a plant now. क्योंकि ऑफिस में सभी के पौधे हैं. Okay, that old CEO came in the conference hall and he said, "Get your plants." और जो ओल्ड सीईओ वो बोलते हैं सबों को कॉन्फ्रेंस में कि चलो सब लोग अपने पौधे को लेके आओ. And everybody brought their, you know, pot with a plant, beautiful plant. और सभी को अपने पॉट को सुंदर पौधों के साथ लेके आए. And Rehan was sitting in the last corner. और जो रेहान है वो एकदम आखिरी में कोने में था. No plant there. क्योंकि वहाँ कोई पौधा ही नहीं था. He knew that he would be very, he will be getting scolding from the CEO. और वो सोचा था कि सीईओ से डांट पड़ेगी. And then the CEO saw all the plants. और सीईओ ने सारे पौधों को देखा. Beautiful. ओह ये तो बहुत सुंदर है. This is wonderful. ये बहुत बढ़िया है. This one is wonderful. ओह ये तो भी बहुत अच्छा है. Rehan was, oh man, I'm gone. ओह Rehan को सोचने लगा, ओह अब तो गया. He was running away. भाग रहा था. And then CEO stopped him. और सीईओ ने उसे रोक दिया. CEO said, Rehan, come forward. सीईओ ने कहा, Rehan, सामने आ. And Rehan said, okay, अभी सबके सामने बेइज्जती करेगा मेरा. Okay, he came forward. और वो सामने आया. He said, the next CEO of the company is Rehan. और फिर उसने कहा कि इस कंपनी का जो अगला सीईओ है वो है रेहान. Everybody was, huh? Why? सब सोचने लगे क्यों? They started complaining. वो शिकायत करने लगे. Look, our plants are beautiful. He doesn't like even a plant. और फिर ऐसे बोला कि देखो सबके तो पौधे सुंदर है लेकिन मैं तो है ही नहीं. And then CEO told. और फिर सीईओ ने कहा, All the seed I had given you was boiled seed. और जितने भी मैंने आपको बीज दिया था वो उबाला गया था. And the boiled seed does not give the fruits. और जो उबाला हुआ जो बीज होता है वो पौधा नहीं देता. So you guys are very clever and cunning. You replace the seed and bringing me and trying to cheat me. और आप लोग बहुत ही चालाक और चतुर इंसान हैं. आप लोग बीज बदल दिए, पौधा लेके आए और मुझे धोखा दे रहे हैं. But Rehan was faithful with that seed. लेकिन रेहान उस बीज के प्रति विश्वासी हो गया. He tried his best. उसने अपने सबसे अच्छा कोशिश किया. He came here and told me all faithfully that I tried my best. But no plant came. लेकिन वो यहाँ आया और उसने बोला पूरे विश्वास योग्यता से कि मैंने सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ. And he became the CEO of the company. और वो अपनी कंपनी का सीईओ हो गया. Clap for Rehan. I know you are very excited. Of that company. और रेहान इस कंपनी का चीफ बन गया. If you show faithfulness, अगर आप विश्वासयोग्यता को आप बोते हैं. Verily, verily, I say unto you. और मैं फिर से आपसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ. If you show faithfulness, अगर आप विश्वासयोग्यता को डालते हैं. You will reap growth. तो आप बढ़ोतरी को काटेंगे. You will reap trust. और आप भरोसा को काटेंगे. If you don't show faithfulness in a small thing, लेकिन आप छोटी चीजों में विश्वासयोग्यता को नहीं दिखाएंगे. Don't expect growth. तो आप बढ़ोतरी का आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते. Why Ananias was able to obey the Lord? हनन्याह क्यों परमेश्वर की आज्ञा मान सका? He could hear the voice of the Lord. वो परमेश्वर की आवाज को सुन सका. He was fearful and respectful that I will do in spite of different condition I will follow the Lord. और वो बुरे परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति वो अधिकारी रहा और सम्मान करता था कि मैं सब कुछ करूंगा. And he was able to do whatever God asked him to do. परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे पूछा था मांगा था काम करने को वो सब कुछ किया. May God bless you.